तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रात के बज रहे हैं 11:25 और आज पूरे दिन सोचा कि व्लॉग करेंगे, किस पे व्लॉग करें, लेकिन सोते सोते पूरा दिन निकल गया। यही होता है सोचने की वजह से, आप जो चीज़ आपको करनी है वो नहीं हो पाती और टाइम निकल जाता है। इसीलिए ज़्यादा सोचो मत, करने लगो और या तो जीतोगे या तो सीखोगे, है ना। हारेगा नहीं है, बिकॉज हार मन से होती है, जीतना है और सीखना है बस। वेलकम बैक टू द चैनल डेली व्लॉगिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। सो आप लोग मेरे को देखते हो तो आप लोग को मेरे बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन आज मैं वो सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप लोग को शायद ना पता हो। सो लेट्स गो। तो मैं बिलोंग करता हूँ राजकोट से, मैं एक काठियावाड़ी गुजराती हूँ। सो मेरे को फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद है और अभी मैं रहता हूँ अंकलेश्वर बिकॉज मेरे डैड की जॉब यहाँ पे है, दैट्स वाई हम यहाँ पे रहते। बाकी मेरा होम टाउन है राजकोट। सो अब आते हैं मेरी पढ़ाई पे। तो मैंने 11th 12th किया कॉमर्स बैकग्राउंड से और 12th में मेरे आए 79% और फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया PDEU यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि मुकेश अंबानी सर की यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया और मैं वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और आगे भी मेरे गोल है कि मुझे PhD तक पढ़ना है, बिकॉज मेरे घर पे, हमारे खानदान में ये शायद पता नहीं DNA में है कि PhD तो करना ही है, बिकॉज मेरे डैड भी केमिस्ट्री में PhD है, मेरी मम्मी भी माइक्रोबायोलॉजी में MSc है और म्यूज़िक में PhD है। सो मैं एक PhD खानदान से बिलोंग करता हूँ। सो ऐसा नहीं कि भाई माँ बाप से कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, मेरे को भी PhD करना है आगे जाके। सो वो सब है और भले ही मैं पढ़ने में इतना पहले से मास्टर नहीं हूँ, इतना मतलब स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये एम है मेरा, ठीक है। बस तो आपको बता दिया मैंने। तो अब आते हैं मेरी हॉबीज़ पे। तो मेरे को पहले से स्विमिंग का बहुत बड़ा चस्का था। मैंने हम सब दोस्तों ने 8th स्टैंडर्ड में स्विमिंग शुरू किया और फिर सबने धीरे धीरे छोड़ दिया, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और मैंने 11th 12th के बाद छोड़ा। 11th तक मैंने कंटिन्यू रखा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया स्विमिंग। लेकिन मैंने बहुत सारे मेडल जीते और मेरे पास ये उसके पूरे चश्मे का कलेक्शन है। एक दो चश्मे कवर्ड में है और ये तो मैंने स्पेशली मेरी बुआ से ऑस्ट्रेलिया से मंगाए थे ये स्पीडो के, बिकॉज मेरे को 12th के बाद स्विमिंग करना था, ऐसा करना था कि मतलब आगे जाके स्विमिंग में आगे बढ़ना था, ऐसा था। लेकिन 12th के बाद कोविड भाई ने मचा दी, इसीलिए ये सपना, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो मेरी दूसरी हॉबी है म्यूज़िक। म्यूज़िक का जो 6 साल का मेन कोर्स होता है उसमें मैंने 2nd ईयर तक म्यूज़िक का कोर्स किया है, वोकल में और हारमोनियम में, और उसमें मैंने दोनों टाइम डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूँ। सो मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, हारमोनियम बजाना और स्पेशली गाना, बिकॉज मैं कभी कभी मम्मी के साथ भी बैठता हूँ, वो राग सिखाती है मेरे को, तो वो सब मेरे को बहुत पसंद है, म्यूज़िक भी पसंद है। म्यूज़िक से याद है मेरे पास एक गिटार भी है, अभी दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइस, ये है मेरा गिटार, कुछ ऐसा दिखता है और अभी मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। ये मेरी मम्मी ने मेरे को 4th स्टैंडर्ड में गिफ्ट किया था, फिर मेरी प्रैक्टिस चली गई, लेकिन फिर अब मैंने फिर से सोचा है कि मैं गिटार क्लासेस ज्वाइन करूँगा, सब कुछ रिकॉल करूँगा और थोड़ी कुछ दिनों में सॉन्ग, कोई भी एक सॉन्ग सीख लूँगा और आपको वो ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये एक मेरी एक और हॉबी हो गई। तो तीसरी हॉबी है मेरी डांसिंग। जैसा कि आप लोग शायद इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो मैंने एक स्टोरी हाईलाइट रखी है जिसमें मैंने 2-3 डांस चैलेंजेस किए हैं, ऐसा है। तो मेरे को डांस भी बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट डांसर है टाइगर श्रॉफ, बिकॉज मुझे उसका डांस बहुत पसंद है। सो और मेरे को ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कोई जॉब का इंटरव्यू दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर आगे जाके इंटरव्यू देने का हुआ और इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
तो मैं ये वाली YouTube वीडियो की लिंक उसको भेज दूंगा, टेंशन नहीं है। कुछ भी। सो मेरे चौथे इस पे आते हैं हॉबी पे, तो वो है राइडिंग, बाइक राइडिंग। मेरे को बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब मेरे पापा ने बुलेट ली थी, तो मैं तब से राइडिंग के वीडियोस बहुत देखता था। और 9th स्टैंडर्ड से मैं बाइक चलाता था थोड़ा बहुत, और फिर मैं यही वेट कर रहा था कि बस जब लाइसेंस आए तब हम राइडिंग शुरू करें अच्छे से। तो आगे जाके राइडिंग के वीडियोस भी आएंगे ये चैनल पे, सो बी रेडी फॉर इट। अब आपने देखा ही होगा कि मैंने वो हेलमेट भी पेंट करा दिया, और वो जो हमारी बुलेट है उसमें भी अभी काफ़ी सारे चेंजेस कराने के, सो वो करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। सो मोटो व्लॉगिंग अब होगा, अभी सोचा नहीं है लेकिन होगा ज़रूर, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। मेरी फिफ्थ हॉबी है वो है ट्रैकिंग। मैंने काफ़ी सारा ट्रैकिंग किया है, स्पेशली मैं और मेरे पापा हर दिवाली के 2 दिन बाद भाई बीच को हम लोग चले जाते थे गिरनार, और वहाँ पे गिर में फॉरेस्ट में हम लोग एडवेंचर करते थे और पहाड़ पे ट्रैकिंग करते थे। मतलब एडवेंचर, फॉरेस्टिंग और वो सब मेरे को बहुत पसंद है, सो वो मेरी फिफ्थ हॉबी है। और मैंने मनाली में जब मैं गया था, मैं मनाली 2 बार जा चुका हूँ। एक तो मैं स्कूल ट्रिप में गया था 7th स्टैंडर्ड में, और मैं उसी साल अगेन एक ट्रैकिंग ट्रिप में गया था, और वो ट्रैकिंग ट्रिप में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में था और मैंने 4 दिन में 48 किलोमीटर स्नो में ट्रैकिंग किया है। सो और बाकी सब लोग अपने ग्रुप के साथ आए थे, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, ये सब सारे अहमदाबाद के थे। वो कोई अहमदाबाद का एक ट्रैकिंग क्लब है, सो उसमें मैं गया था। तो बाकी सब अपने ग्रुप के साथ आए थे, मैं सिर्फ अकेला था, लेकिन फिर भी सारे दोस्त तो सारे बन ही जाते हैं। सो ये मैं बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था वो, कि भाई सब मैंने 14,000 फीट तक ट्रैकिंग किया था हम सब ने, और उसकी मेमोरीज अभी भी है। अभी शायद फ़ोटोज़ मेरे पास ये लैपटॉप में नहीं है, सो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत मज़ा आया था उस ट्रैकिंग ट्रिप में। सो ट्रैकिंग इज़ द फिफ्थ हॉबी। और सिक्स्थ हॉबी जो साइड बाय साइड शुरू की है वो है यूट्यूब। आप लोग आप लोग बस सपोर्ट करते रहो इसी तरह, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट में बताओ। आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, सो थैंक यू। और अब आ गया वीडियो समाप्त करने का समय, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और यहाँ पे होता है हमारा डेली ब्लॉगिंग सीजन 2 समाप्त, मतलब ख़त्म हो गया डेली ब्लॉगिंग सीजन 2। ये कमिटमेंट भी हमने कर दिखाया, आप ही की वजह से आप लोग वीडियोस देखते हो तो मुझे एंकरेजमेंट होता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ। और बस तो आप वीडियोस देखो, प्यार करो, काम शुरू करने को काम करना नहीं बोलते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं बोलते, लेकिन काम ख़त्म करने को काम करना बोलते हैं, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। और एक हॉलीवुड की मूवी का भी एक डायलॉग है, मैंने वो मूवी देखी नहीं है लेकिन वो डायलॉग बहुत फेमस है, कि ऑलवेज बी अ क्लोजर, मतलब काम ख़त्म करो तभी वो काम काम किया माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। अगर आप लोग को ये कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो में तो वो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि क्या अच्छा लगा, और अगर आपकी और मेरी कोई भी हॉबी मैच करती हो तो वो भी कमेंट करो कि क्या हमें सिमिलैरिटीज़ है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। और कोविड वापस आ गया है तो आई होप आप लोग अपने घर पे सेफ रह रहे होंगे। सो अपने परिवार का ध्यान रखो, ज़्यादा बाहर मत जाओ तो मास्क पहनो, वो सब आपको ज़्यादातर मालूम ही है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगेन मैं 4 बार बोल चुका हूँ, फिर भी यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लगा। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, बाय।